नमस्कार जी। राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन मुश्किल दिनों की। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो ये लड़कियों की कुछ समस्या होती है 3 से 5 दिन तक की, और किसी किसी को ज़्यादा दिन भी हो जाती है। तो ये जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है उसको हम लोगों को समझना चाहिए। एक टाइम था कि हम झिझकते थे, उस विषय में बात भी नहीं कर पाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लड़कियों को अपनी बात समझाने की। अपने पेरेंट्स के सामने हम लोगों ने खुद झेला है, अपने पेरेंट्स के सामने हम लोग बात करते थे, मदर के सामने, यहाँ तक कि मदर भी हमारी बात नहीं सुनती थी और मदर ऐसे आंख दिखा देती थी कि क्यों बात कर रही है, पापा बैठे हैं यहाँ पर, भाई बैठा है बड़ा, तो आप मतलब बच्चा इस तरह की बात नहीं कर पाता था। लेकिन आज का टाइम है तो हमें बात करनी चाहिए। हम लोग भी अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के, तो हम लोग बात करते हैं। और आजकल तो बच्चियां होती हैं 10 से 12 साल तक की बच्चियों को ये पीरियड होने लग जाता है, तो हम इस विषय पे हम कुछ सीरियसली बात कर लेते हैं। तो चलिए, एक आस्था से इस चीज़ को जोड़ दिया गया था और बोला जाता था कि ये अछूत हो गई है, इसको अब एक रूम में अलग से रख देंगे, इसको एक रूम में अलग से रहने देंगे और वहीं पर इसको खाना पहुंचाएंगे, वहीं पर इसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम अपने रूम में, किचन में, मंदिर के स्थान पर नहीं आने देंगे। तो ये जो होता था ये भी अच्छा ही था वैसे, इस बहाने से रिलीफ मिलता था थोड़ा सा। और तो हमारे पूर्वजों ने जो है साइंस नहीं पढ़ा था, लेकिन हर चीज को आस्था से जोड़ के बताया जाता था। और साइंस आज भी रिसर्च कर रही है उन सब बातों पर, तो बहुत ही फायदे की हर चीज होती है। और साइंस खुद मानता है ये चीजें बहुत अच्छी करते थे हमारे पूर्वज जो लोग करते थे। तो अब बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि हम बात भी नहीं कर पाते थे उस समय में, और बात करने में झिझक होती थी, कोई नहीं मानता था कि मतलब इसको कोई तकलीफ भी हो रही होगी। तो किसी किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल होता है ये पीरियड, और किसी को हो जाता है, नॉर्मल भी रहता है, लेकिन हमें उस चीज़ को गौर करना चाहिए। तो जैसे हमारी बेटी है, हम बेटियों पर बहुत ध्यान देते हैं, हम बेटी का अगर होता है तो आजकल थोड़ा सा समझने लगे हैं, तो उसको रेस्ट दे देते हैं कि बेटा तू मत कर, आजकल खाना तू मत बना, तू थकी हुई है, चल तू आराम कर ले। तो क्यों ना यही चीज हम अपनी बहू के साथ करें। तो हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू, जो भी लेडीज हैं हमारी टच में, हमारी फैमिली मेंबर में, तो हम लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए उन मुश्किल दिनों में। तो आज मैं इसी बारे में कुछ बात कर रही थी आप लोगों से, तो आप लोग भी जरूर ध्यान रखिएगा और जितनी हेल्प हो सके उस पीरियड के दौरान आप मतलब उनसे कुकिंग मत करवाइए, आप उनको रेस्ट दे दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा, 3 दिन की, 4 दिन की तो बात होती है सिर्फ।